हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। आज हम बात करेंगे पोस्ट वैक्सीनेशन स्वेलिंग या लंप के बारे में। आपको मैं ये जो पिक्चर बता रहा हूँ, यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हो, ये थाई का पोर्शन है बच्चे का, और पोस्ट वैक्सीनेशन उसको एक स्वेलिंग डेवलप हुआ है वहाँ पे, जिसमें पस भी था, मतलब इन्फेक्शन भी था, और उसको हम अबसेस कहते हैं। तो ये कुछ केसेस में होता है, बहुत रेयर ऑकरेंस है, मतलब लाखों में एक आधे बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन की जगह पे गांठ आती है। गांठ आना तो नॉर्मल चीज़ है, खास करके जो ट्रिपल का वैक्सीन रहता है उसमें ड्यू टू पर्ट्यूसिस स्वेलिंग और पेन थोड़ा हो रहता है, 2 दिन बुखार भी आता है बच्चों को, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉर्मल। वो जो गांठ है वो 2 से 3 दिन में अपने आप कम हो जाती है, उसको हम कभी कभी बर्फ़ से सेकते हैं। कुछ केसेस में गांठ या उसकी जो नॉट है बहुत दिन तक रहती है, और उसको जाने को कभी कभी 1 से 1.5 महीना 2 महीने भी लगते हैं। उसको पर्ट्यूसिस ग्रैनुलोमा या DTP ग्रैनुलोमा हम बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में तो हमको कुछ जनरली जो स्टराइल अब्सेस है या फिर ग्रैनुलोमा है या छोटी सी गांठ है, पेनलेस है, बच्चे को कोई उसके कारण तकलीफ नहीं हो रही है और बुखार नहीं है, साइज़ उसकी बढ़ नहीं रही है, तो ऐसे केसेस में हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो आप पर्टिकुलर पिक्चर में देख रहे हो गांठ या स्वेलिंग, इट शोज़ कि थोड़ा सा रेडनेस है एरिया में, बाकी जो स्किन है उसके कंपैरिजन में इस सरफेस से थोड़ी सी रेज्ड है, रेडनेस भी है। इसका मतलब इसमें इन्फेक्शन हुआ है या पस हुआ है। इसमें थोड़ा दर्द भी रहता है, बच्चे को पेन फील होता है अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो, और बाकी जो बॉडी का टेम्परेचर उससे ये जो स्वेलिंग का एरिया है ये थोड़ा सा वार्म रहता है, टच अगर आप करते हो तो आपको गर्म लगता है। तो ये 2-3 साइन है कि रेडनेस अगर है वहाँ पे, टेंडरनेस है मतलब दबाने के बाद अगर उसको दर्द हो रहा है, बच्चा रो रहा है, रेडनेस के साथ ही स्वेलिंग भी बढ़ रही है, साइज़ बढ़ रही है गांठ की, और बच्चे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, कभी कभी बुखार भी आ सकता है, और टच करने पे आपको बाकी बॉडी से उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये जो 3 साइन अगर दिखते हैं तो इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन। तो ये अब्सेस है, वैक्सीनेशन के बाद ये अब्सेस हो चुका है। अब इसके लिए हम सबसे पहले तो अगर बहुत माइनर केसेस में ओरल एंटीबायोटिक्स और कुछ लोकल एंटीबायोटिक क्रीम अप्लाई करके ये ठीक हो जाता है 2 से 5 दिन में। लेकिन अगर अब्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर इन्फेक्शन की सीवियरिटी ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में ओरल एंटीबायोटिक को अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है अब्सेस, वो फूट के बर्स्ट होकर उसमें से अगर पस बाहर नहीं निकलता है अपने आप, तो कुछ केसेस में हमको इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ता है, मतलब उसको एक छोटा सा चीरा मार के उसमें से पस निकालना पड़ता है, तब जाके उसमें से इन्फेक्शन पूरा बाहर निकल जाता है और बच्चे को रिलीफ मिलता है। तो कुछ दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स हमको करना पड़ता है। तो ये था पोस्ट वैक्सीनेशन जो आपको बताया मैंने अब्सेस के बारे में, और आपको साथ ही में मैंने जो जानकारी दिया है इसमें कि ये लाखों में एक आधे केस में होता है, बहुत रेयर है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वैक्सीन देने के बाद और कहीं भी, मतलब जहाँ पे वैक्सीन देते हैं वहाँ पे कभी ये गांठ आ सकती है। दूसरा रहता है स्टराइल अब्सेस, या जैसे मैंने आपको बताया पर्ट्यूसिस ग्रैनुलोमा या DTP ग्रैनुलोमा या नॉट आती है। तो 99% केसेस में तो नॉर्मल ही रहता है, बच्चों को खास करके ट्रिपल का जो 1.5 महीने का 2.5 महीने का 3.5 महीने का वैक्सीन है, उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा स्वेलिंग या लंप आती है, और जो स्वेलिंग है 2 से 3 दिन में चली जाती है। कुछ केसेस में छोटी सी नॉट, बटन जैसी ऐसी हाथ को लगने वाली गांठ महीने तक रहती है, 1 महीना 2 महीने तक भी रह सकती है, लेकिन अगर वो साइज़ में बढ़ नहीं रही है, कॉन्स्टेंट है या धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है साइज़ में, पेनफुल नहीं है, जगह लाल नहीं हुई है, स्वेलिंग नहीं है, बच्चे को फीवर नहीं है, वहाँ पे हाथ लगाने के बाद बच्चा रोता नहीं है, एक्टिविटी अच्छी है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका मतलब सिर्फ कोल्ड कॉम्प्रेस, मतलब आइस पैक वगैरह 2-3 दिन लगाइए, कुछ दिनों तक पैरासीटामोल दीजिए ताकि उसका दर्द और स्वेलिंग कम हो, और बाद में आप कुछ भी मत करिए, अपने आप वो गांठ चली जाएगी। लेकिन अब्सेस दिखता है, गांठ दिखती है और दर्द रहता है वहाँ पे, रेडनेस दिखता है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना है, ठीक है। तो ये थी जानकारी पोस्ट वैक्सीनेशन स्वेलिंग या लंप के बारे में। आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है वैक्सीन के बाद, अगर गांठ आती है बहुत बड़ी और 2-3 दिन में वो जाती नहीं है या पेनफुल रहती है, रेडनेस रहती है, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। थैंक्स फॉर